हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिना तेल का इस्तेमाल किए या फिर बिल्कुल ना के बराबर तेल का इस्तेमाल किए हुए ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टोस्ट। आप इसे वेज टोस्ट भी कह सकते हैं, वेज फ्रेंच टोस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट टेस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। सबसे अच्छी बात है कि बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा क्विक ईजी है, और आप चाहें तो ये बच्चों को टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। साथ में बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैं सफ़ेद वाले तिल ले रही हूँ, साथ में चिली फ्लेक्स हैं और कसूरी मेथी। ये तीन ही चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। बेसन जो है मैंने पहले से घोल कर रख लिया है। कुछ नहीं इसमें बेसन और पानी डाला है और नमक डाला है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी है बेसन की वो इस तरीके की होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। आपको पतले बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए अब क्या करेंगे, ब्रेड के ऊपर इस बेसन को स्प्रेड कर लेंगे। अगर मैं बेसन की क्वांटिटी की बात करूँ तो करीब 1/4 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, जिसमें 5-6 ब्रेड आराम से टोस्ट हो जाएंगी। आपको इस तरीके से चम्मच की हेल्प से बेसन लगाना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, और उसके बाद में कोई भी एक तवा लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाइए और उसे उल्टा जो है वो इस तरीके से डाल दीजिए। उल्टा डालने के बाद ऊपर वाली साइड जहाँ पे हमने बेसन नहीं लगाया था वहाँ पे भी आप चम्मच की हेल्प से बेसन स्प्रेड कीजिए, और फिर जो हमारे सूखे इंग्रेडिएंट्स थे उसे हम स्प्रिंकल करेंगे ऊपर, यानी कि तिल था, थोड़ी कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो बिना इसके भी ये टोस्ट बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपकी जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल फास्ट नहीं होनी चाहिए। आपको मीडियम फ्लेम पे बेसन को पकने देना है ब्रेड के साथ, और जब आपको लगे कि नीचे से थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है उस टाइम पे आप इसे पलट सकते हैं। तेल मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना इस टोस्ट को बनाने के लिए बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपका तवा नॉन स्टिक है फिर तो एक बूंद भी तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तवे का अगर आप साइज़ देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप चाहें तो एक साथ 4-4 टोस्ट भी इस तरीके से टोस्ट कर सकते हैं ब्रेड को। मैंने एक एक इसलिए बताया ताकि इजीली वो वीडियो के अंदर कवर हो जाए। गैस की बचत है, तेल की बचत है, इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि ये टमाटो केचप के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरीके से आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। आप चाहें तो बेसन की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पर कुछ लोग जो अंडा नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, वो बेसन का इस्तेमाल करके ये फ्रेंच टोस्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। अगर पसंद आई और ईजी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। पहली बार है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।